हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सीनियर केजी, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बड़े उ तक के स्वरों का अभ्यास पूरा करवाया था। अब आगे के स्वरों का अभ्यास हम इस वीडियो में करेंगे। तो बड़े उ के बाद कौन सा स्वर आता है? रु। कौन सा स्वर आता है बच्चों? रु। रु से रूसी। रु की लिखावट किस तरह से होती है? ऐसी होती है। देखिए, आप देखा आपने कहाँ से शुरू करते हैं? ऐसे करके, ऐसे, फिर ए वाली लाइन, फिर ए स्टैंडिंग लाइन। समझ में आया? उसके बाद ए वाला ऐसे गोल करते हुए ऐसे लाना है, और ऐसे थोड़ा छोटा सा सी, आप इंग्लिश में लगते सी फॉर कैट, ऐसे आपको बनाना है, और ये ऊपर पूरी सिरो रेखा। समझ में आ गया? उसी प्रकार आपको नीचे जो पेज में दिए है ना, रू डॉट करके, वो वाली लाइन में उसको लिखने की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, यहाँ पर ऐसी लाइन होगी, यहाँ पर भी है, देखिए ऐसे करके, ऐसे, फिर ए वाली लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे करते हुए ऐसे गोल करके ऐसे सी, और ऊपर सिरो रेखा। समझ में आ गया? दूसरी बार देखिए, ऐसे ए वाली लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे गोल बनाते हुए नीचे की तरफ, और ये सी, और ऊपर सिरो रेखा। इस प्रकार आपको ये पूरा पेज भरना है। पहले ये दोनों पहली लाइन है वो लिखनी है, उसके बाद बाकी की लाइनों में रू लिखने की प्रैक्टिस करनी है। रू से रूसी। अब रू के बाद कौन सा स्वर आता है? ए। ये किस प्रकार से होता है? ऐसा। देखा आपने, यहाँ पर ऐसे शुरू होते हो, ऐसे कुछ नाम चित्र के साथ दिए हैं, जैसे कि ऐसे एक, एक यानी कि वन, ऐसे एक तारा, और ऐसे एडी, पेड़ के पीछे का जो हिस्सा होता है उसे एडी कहते हैं। अब उसकी लिखावट देखिए, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचनी है, फिर धीरे धीरे करके इस तरफ ले जाकर इतना मोड़ना है, फिर ऐसे, और ऊपर सिरो रेखा। उसी प्रकार ये वाला, फिर ऐसे, फिर से, और ऊपर सिरो रेखा। उसी प्रकार आपको इसमें भी एक पूरा पेज भर के इसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे एडी, ऐसे एडी, उस प्रकार बोलते जाना है और ऐसे लिखते जाना है। फिर ये दोनों लाइनें पहले लिखनी है, उसके बाद ये जो मैंने बाकी के नीचे लिखे हैं ना, उसी प्रकार आपको भी अपनी किताब में ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। ए के बाद क्या आता है? ऐ। क्या आता है बच्चों? ऐ। ऐ की लिखावट किस तरह से करनी है वो सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे शुरू होते हो, ऐसे दो चित्र यहाँ दिए हैं, ऐसे ऐरावत और ऐसे ऐनक। ऐनक यानी कि गुजराती में हम उसे चश्मा कहते हैं ना, उसे हिंदी में ऐनक कहते हैं। तो अब हम उसकी लिखावट समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं समझाती हूँ कैसे करना है। यहाँ पर ऐसे करके इस तरफ ले जाना है, और यहाँ फिर ऐसे, ऐसे, और ऐसे, फिर से देखिए ऐसे, फिर इस तरफ ले जाना है, और ऐसे, फिर ऐसे, ये वाले सिरो रेखा, और ऊपर एक मात्रा। इसमें और इसमें कितना अंतर है? ऐ के ऊपर एक मात्रा लगी हुई होती है,
इसमें नहीं होती। इसका उच्चारण होता है ए और इसका उच्चारण होता है ऐ। समझ में आ गया? तो आज हमने कौन कौन से स्वर सीखे? रु, ए और ऐ। अब हम ये तीनों की लिखावट नोटबुक में किस प्रकार से करनी है वो सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटबुक में ऐसी लाइनें बना देनी है। उसके बाद हमने कौन से स्वर सीखे आज? रु, ए और ऐ। रु स्वर लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमें उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो रु की दो लाइनें हमें लिखनी है, एक ए की और एक ऐ की। तो इस प्रकार से जो जैसे मैंने लिखा है उस प्रकार से आपको भी लिखना है। तो रु स्वर कैसे शुरू किया था हमने लिखना? यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे हमने किताब में लिखा था ना, उसके बाद ए स्टैंडिंग लाइन। समझ में आ गया? उसके बाद ए ऊपर ले जाकर गोल बनाकर नीचे लाना है और ये छोटा सी। समझ में आ गया? और ऊपर सिरो रेखा। ए एक भी वर्ण लिखते समय लाइन की बाहर जाना चाहिए नहीं, उसका खास ध्यान रखना है। समझ में आया? एक बार फिर से मैं लिखकर बताती हूँ। ऐसे करके ऐसे, फिर ए लाइन, फिर ये स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद ये ऊपर ले जाकर गोल बनाकर ये छोटा सी और ऊपर सिरो रेखा। ये हो गया रूसे रूसी। उसी प्रकार आपको ये दोनों लाइनें कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने धीरे धीरे लिखा ना, उसी तरह आपको भी धीरे धीरे लिखना है। अब रूसे रूसी के बाद ऐसे बोलिए एडी। चलो ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, ऊपर सिरो रेखा। ये हो गया ऐसे एडी। अब ऐसे ऐनक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर इस तरह से, फिर ऊपर सिरो रेखा और ये मात्रा। ये हो गया ऐसे ऐनक। फिर से एक बार सिखाऊंगी मैं आपको, देखिए। ऐसे करके इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, ये ऊपर ले जाकर गोल करके ये सी। ये हो गया रु। ऐसे देखिए, उसके बाद रु के बाद ए, ऐसे ए और ऐसे आई। समझ में आ गया बच्चों? इसी प्रकार आपको भी अपनी नोटबुक में ये तीनों वर्णों को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। रूसे रूसी, ऐसे एडी और ऐसे ऐना। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे आपको पूरा पेज लिखकर कंप्लीट करना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।